मेरे हौसलों के चिरागों को आंधियां बुझा ना पाएंगी, चाहे कितना भी ऊंचा कर दो आसमान, मेरे उड़ानों की हदों को बांध ना पाएंगी। राहुल गांधी वैचारिक आरोहण के नए सूरमा बनकर उभरे हैं। अपने हालिया कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा में सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगाने का काम किया है, जिससे सवर्ण वोटरों में कांग्रेस को लेकर एक पुरानी आस बहाल होने लगी है। राहुल भाजपा को धूल चटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर नजर आ रहे हैं। वो हर राज्य में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर आतुर जान पड़ते हैं। आंध्र तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश में भी वो अपनी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले दफे के चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से भाजपा के हिस्से 165 सीटें आई थी, कांग्रेस ने 58 और बसपा ने 4 सीटें जीती थी। राहुल बसपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए खूब जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में सपा और गोंडवाना पार्टी के हिस्से भी 3-3 सीटें आई थी। राहुल इन दोनों पार्टियों से भी बात कर रहे हैं ताकि भाजपा के खिलाफ इन तमाम दलों को एकजुट कर कांग्रेस के नेतृत्व में एक महागठबंधन बनाया जा सके। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।